तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और इधर मैं पूजा कर ली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल मैं उपवास की थी, मैंने पूजा की थी संडे का। और इधर सुबह हो चुका है, तो मैं इधर लाइट ऑन कर देती हूँ इधर, क्योंकि हो चुका है ये जो प्रसाद है, तो मैं इसमें से एक फल खा लेती हूँ, तब मैं और कुछ खाऊंगी। तो मैं सिर्फ एक केला निकाल के मैं खा ले रही हूँ। और इधर केला और थोड़ा सा अदरक है, जैसे आप लोग कल देखे होंगे, उसमें से मैं थोड़ा सा तोड़ के खा ले रही हूँ। क्या करवा है देख सकते हैं। इधर मैं थोड़ा सा चाय वो बना लेती हूँ, देख सकते हैं। तो पूरा काम आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि दो बच्चा को संभालना पड़ता है और सब करना पड़ता है। इधर मैं चाय वो पी के तैयार, ये मैंने पी के एकदम फ्री हो चुकी हूँ। तो इधर मैं देख आप लोगों को दिखा देती हूँ सब्जी। अभी बहुत सारा सब्जी है, अभी एक जोड़ा सब्जी भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब अभी मैं नहीं दिखा सकती। जो है अभी मैं दिखा दी, यह प्याज का पत्ती जो है, और बैंगन भी बहुत सस्ता मिल रहा है बोलने, मतलब अभी जो ठंडा का मौसम है और बहुत ही हरा सब्जी निकल रहा है। तो देख सकते हैं कितना प्याज का पत्ती है, और प्याज भी बहुत ही बड़ा बड़ा है। जो कैमरा में आप लोगों को छोटा छोटा नज़र आता हुआ, तो आज मैं जैसे कि कल मैं थोड़ा सा उपवास में थी, तो आज मैं खाने में, आज मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं। तो खाने में मैं दाल और चावल और बैंगन का सब्जी में बनाने वाली हूँ, और जो है धनिया पत्ता का चटनी और चोखा, और जो है ना, और थोड़ा सा हरा वाला जो हरा मिर्ची का जो भुना हुआ रहता है वो, और अचार। तो आज का मेरा खाना यही है। तो मैं पहले फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि इधर खाना बना के रोटी भी बनाना रहता है, क्योंकि बिना रोटी का तो हम, जैसे कि मैं हूँ जो, मैं 3 टाइम जो हूँ मैं भात ही खाती हूँ, मुझे भात अच्छा लगता है। और जो मेरा हस्बैंड है वो सिर्फ रोटी खाते हैं, तो उनके लिए मुझे रोटी बनाना पड़ता है। तो इधर मैं फटाफट जो है मैं सब्जी काट ले रही हूँ बैंगन का। मैं पहले से दाल और चावल जो है मैं गैस पर बैठा चुकी हूँ, और इधर मैं सब्जी को मैं छौंक लगा देती हूँ। तो मैं पहले वीडियो में भी बताई हूँ मैं बैंगन का सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो इधर मैं हरा मिर्च और मेथी का दाना देके, जो आलू और जो बैंगन है मैं रख के भून दूंगी। इसमें मैं टमाटर और धनिया पत्ता और लहसुन ढेर सारा कूट के मैं डालूंगी इसमें। बहुत जो लहसुन का मैंने, उससे अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। अब वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोग भी, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इधर में जो है दाल भी जो तड़का लगा देती हूँ, तो दाल में मैं लहसुन जीरा और जो है तो हींग डाल के मैं तड़का लगाती हूँ, क्योंकि दाल में बहुत ही अच्छा एक खुशबू आता है, तो मैं इसी का हमेशा तड़का लगाती हूँ। तो इधर मैं तड़का लगा दी हूँ, छौंक दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इधर मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ इधर, और इधर सब्जी भी बन के तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा से आलू जो बैंगन है पक चुका है, और इधर मेरा रोटी भी बनाना हो चुका है। तो इधर मैं थोड़ा सा जो प्याज का पत्ती आप लोगों को दिखाई थी, तो इसका मैं पकौड़ी बना दी हूँ बहुत ही अच्छा से। और इसका जो
बहुत ही खाने में टेस्टी है। और आपको इसका रेसिपी चाहिए तो मेरा कुकिंग वाला चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आपको इस चैनल पर चाहिए इसका वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इस चैनल पर भी मैं इस वीडियो के आप लोगों को मैं रेसिपी दे दूंगी, इसमें कैसे बनाती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक है।